टू माई चैनल शाह स्टाइल. सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे करंटली यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है. सो इसमें कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि वो एफिलिएट है या फिर वो यू नो स्पॉन्सर है. जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं खुद से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ. और उसमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आए थे वो मुझे पीआर में आए थे एंड मैंने उनको स्टार्ट करना यूज़ किया है. कुछ ऐसे जो मैंने खुद ने भी बाय किए. सो या एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि साइमा दी आप अपना स्किन केयर रूटीन बताइए हमारे साथ. तो गाइज मेरे स्किन केयर रूटीन में मॉर्निंग में थोड़ा अलग होता है, आफ्टरनून में थोड़ा अलग होता है, नाइट टाइम अलग है, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में भी करती रहती हूँ. सो अलग अलग रूटीन्स हैं मेरी जो मैं फॉलो करती हूँ. तो मैंने सोचा वो बाद में बताऊँगी मैं आपके साथ. बट जो प्रोडक्ट्स मैं उनके लिए यूज़ करती हूँ तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ. इन प्रोडक्ट्स ने मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है. हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो आपके ऊपर इतने अच्छे वर्क नहीं करते हो. सबकी स्किन अलग रिएक्ट करती है अलग प्रोडक्ट्स के साथ. ऑलराइट, सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा. मैं ट्राई करूंगी कि प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूं, बट कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बाहर से भी बाय किए हुए हैं तो आई डोंट थिंक सो मैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर पाऊंगी. तो या विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट से जिसने मेरे लिए एक मिरेकल का काम किया है. अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मुझे एक बहुत गंदा सा यू नो स्पॉट था जो कि आई थिंक कॉल्ड मेलाज्मा, जो कि सन एक्सपोजर से होता है और थोड़ा स्किन पिगमेंटेशन होती है, तो वो जा नहीं रहा था. मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, देन मैंने ये क्रीम यूज़ करी है. ये है जॉस क्वीन या जॉस पिन करके एंटी पिगमेंटेशन क्रीम है ये. इट सेज इट रिमूव्स पिगमेंटेशन एंड फ्रेकल्स विजिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स विद इन फ्रॉम 7 डेज. तो 7वें दिन से आपको दिखने लग जाएगा आप जो भी आपके स्पॉट्स हैं या फ्रिकल्स हैं. तो फ्रिकल्स हैं मुझे, बट वो यूजुअली होते हैं, मतलब अगर आपकी स्किन कलर मीडियम टू फेयर है तो वो आपको ज़्यादा विजिबल होंगे एंड थोड़ा सा डीपर टू डस्की होगा तो कम दिखाई देते हैं, बट होते हैं सन एक्सपोजर के से. सो ये मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, बट आई फील कि इसको यूज़ करने से मेरी स्किन और सेंसिटिव हो गई है. सो मैं बहुत जल्दी इसका यूसेज बंद कर दूंगी. ये मैंने क्लब फैक्ट्री से बाय की थी. ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी. रिव्यूज़ इसके काफ़ी अच्छे हैं अगर आप देखें, पर इसका जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड है 500 रुपीज़ एंड एक आउटर बॉक्स के साथ आती है. इसके अलावा इस तरीके पे कुछ नहीं है, क्वांटिटी बहुत लेस है और ये वाला एरिया पूरा फिनिश हो गया. बस इतना सा पार्ट बचा हुआ है क्योंकि मैं इसे रोज रात में लगाती हूँ और इसको लगाने के सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं अपनी स्किन केयर में फॉलो कर रही हूँ नाइट टाइम में या सोते वक्त. इसके अलावा बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा फेवरेट है ये एंड हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ मैं इसे. ये एक्चुअली एक पेड पार्टनरशिप थी मामा अर्थ के साथ जो मैं ब्लॉग चैनल पे शेयर करती हूँ इंटीग्रेशन में. और ये है मामा अर्थ का स्किन प्लम फेस सीरम विद हाइलोरोनिक एसिड एंड रोज हिप ऑयल फॉर एजलेस स्किन. ये मुझे रिकमेंड किया था वैसे निधि ने. सो मैंने इसको अपने ब्लॉग चैनल पे दिखाया था एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको 15 डेज या 20 डेज कुछ ऐसे यूज करने के बाद ही इसको दिखाया था क्योंकि मैं इसे सच में ट्राई करना चाहती थी. सो गाइज मेरे बर्थडे से लेके मैं अभी तक इसको ट्राई कर रही हूँ एंड एक बॉटल फिनिश्ड पूरी ख़त्म, जो कि आप डेफिनेटली मेरे एम्प्टीज मंथली एम्प्टीज या ईयरली एम्प्टीज में देखोगे मैंने कौन कौन सी चीज़ें अभी तक ख़त्म करी हैं, फिनिश कर दी है. सो उसमें देखोगे इसका प्राइस जैसे 600 रुपीज़ है, बट डोंट वरी मैं आपको वैसे बता रही हूँ, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो shy2020 तो यू विल गेट 20% का ऑफ. बट ये वाला जो कूपन कोड है सिर्फ और सिर्फ mamaearth.in पे चलेगा, बट ये प्रोडक्ट आपको इजिली अवेलेबल है अमेजोन एंड नाइका पे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा कोड लगा के बाय कर सकते हो तो यू विल गेट 20% का ऑफ. सो ये एजलेस स्किन के लिए एंड ट्रस्ट मी ये इट गिव्स यू अ ब्यूटिफुल फ्लॉलेस स्किन. सबसे पहले इसका टेक्सचर इतना अमेजिंग है ना, जब आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि चल ठीक है कोई असर करे ना करे, बट हमारी स्किन पे लगाने पे हमें बहुत अच्छी लगती है. और ये पैराबिन लिगेन फ्री तो है ही है और ऑल स्किन टाइप्स, कोई भी स्किन टाइप आपको सूट करेगी. मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैंने अपनी मम्मी को रिकमेंड किया, भाभी को रिकमेंड किया, खुद तो मैं लगा ही रही हूँ. एंड आई डोंट नो कि मुझे मामा तब भेजेगा नहीं भेजेगा ये वाला प्रोडक्ट, बट डेफिनेटली मैं खुद से बाय करूंगी एंड डेफिनेटली आई विल यूज़ माई कोड. तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर और कुछ भी ऐसा, ये डेफिनेटली मेरे स्किन केयर में है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो है वो मुझे ये वाला प्रोडक्ट है. ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड है मेक प्रेम या पी रेम ऐसे करके है. इट्स अ वीकली एसिडिक मॉइस्चराइजर बैरियर एसेंस फॉर माइल्ड स्किन. सो आई हैव अ वेरी वेरी माइल्ड और कह लो सेंसिटिव स्किन जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है. सो ये मॉइस्चराइजर आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है. इट्स पी 5.5
सेफ मी एंड इट्स रिलीफ मॉइस्चराइजर एसेंस, तो ये बहुत अच्छा है इस तरीके से और काफी रनी है तो बहुत ही थिन है तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से, आपकी स्किन के लेयर में बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल टैकी नहीं है। तो अगर नॉर्मल स्किन है आपकी, नॉर्मल टू ऑयली, तो भी आप यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले के लिए आप तो है ही है कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, बट आई थिंक ये समर्स के लिए काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। सो ये मैंने लिया था, मतलब नॉट लिया था एक्चुअली, ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड किया था। सो लाइमसी करके है जो कुछ है, तो मैं इसका इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगी। सो या इसका पोस्ट वगैरह भी आप देख सकते हो। इसका एक टोनर भी है जो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, बट ये मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया है। ऑल राइट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल गाइज, जो मेरे स्किन केयर में है, और ये है गुड वाइब्स का एवोकाडो क्लेरिफाइंग टोनर, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री। पर्सनली आई लव गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे पहले वो चीप इतने होते हैं, इतने अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको देते हैं, एंड प्लस उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और कोई पैराबिन नहीं, सिलिकेन नहीं, तो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स भी है, टीनेज के लिए भी बहुत सेफ है, तो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड वन। एंड आप इसे एज अ फेशियल मिस्ट, रिफ्रेशिंग फेशियल मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 175 है, डोंट वरी, हमेशा गुड वाइब्स से आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है, और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है purple.com में। सो या आप वहाँ से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है अगेन, ये है मामा अर्थ का प्रोडक्ट जो है कि स्किन करेक्ट फेस सीरम। ये बस मुझे मिला था, सो आई थॉट चलो ट्राई करते हैं, बट मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया, सो इसमें भी काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिखा है, जैसे कि आपके एक्ने स्पॉट्स के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आपको पता है, यहाँ पे मेरे को एक मार्क हुआ था एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, उस टाइम स्किन ब्रेकआउट कर रही थी आज से 1.5-2 महीने पहले। अभी यहाँ रेडनेस आपको दिख रही है, यहाँ पे भी है, सो मैं उस पर भी लगाती हूँ, आई विश की रेडनेस भी जल्दी चली जाए। सो ये नियासिनामाइड है जो कि हेल्पफुल होता है अगेन आपके यू नो पिगमेंटेशन रिमूव करने में, एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट है। सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे हैं, एक्ने और प्रॉन स्किन के लिए, एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो That's why इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, हाफ ही बॉटल हुआ है, और क्योंकि बहुत कम लगता है, इट्स वेरी क्लियर जेल टाइप ऑफ फॉर्मूला। और आई नेक्स्ट जो है वो एक फेस वॉश है, मैं बहुत रेयर फेस वॉशेज यूज़ करती हूँ, आई लाइक यू नो वाव के फेस वॉशेज, स्पेशली वो जो यू नो ब्रश के साथ आते हैं, वो वाला बहुत अच्छा, टर्मरिक वाला, आई लाइक दैट वन। बट अभी जो करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, या वो भी यूज़ कर रही हूँ, बट ये वाला फिनिश होने को आ गया है, और ये मैं 3 महीने या 2.5-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये है डर्मो जर्मिनिया आई गेस नरिशिंग एंड क्लिंजिंग जेल, ये फेस वॉश है, और ये जस्ट और जस्ट 2249 रुपीज़ का है। ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सर्च वो क्या था, मतलब यू नो रेफर किया था कि आप ये यूज़ कर सकते हो, सजेस्ट किया था उन्होंने, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने बताया डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया, और ये बहुत बहुत माइल्ड है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि साइमा दी हम कौन सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, हम टीनेज हैं, तो आई थिंक आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आप नरिशिंग भी है एंड क्लिंजिंग जेल भी है, और बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है ये, सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली नाइस वन। ये आपको फार्मिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा, आई डोंट थिंक सो ये अवेलेबल होगा ऑनलाइन, बट या इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है अगेन वंस अगेन। सो ये है न्यूट्रोडर्म वाइटमिनी मॉइस्चराइजिंग लोशन, काफ़ी सारी वीडियोज में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मैं। इस मॉइस्चराइजर को जब लिया था मैंने या आया था मेरे पास, तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, आई थिंक ये सारे मॉइस्चराइजर जैसा है, बट नहीं, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है गाइज। इसके अंदर वाइटमिन ई है जो कि अगेन आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बनाता है। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आई थिंक अगर आप ऑयली स्किन भी हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, स्किन में इतनी अच्छी से सिल्किन हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और आपके सनबर्न वगैरह को, स्किन को सूट करने में, फील कराने में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। दो इज़ अ लिटिल बिट प्राइजी, बट टोटली वर्थ इट। सो या आई काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है वंस अगेन। और आई नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास लिप बाम, तो लिप बाम में मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसलिन भी यूज़ कर लेती हूँ। और अभी मेरे पास ये मैंने 1.5 साल पहले लिया था लिप क्रश नायका का लिप मेरे का लिप बाम, तो चॉकलेट हेजलनट है ये, सो अभी मैं फिलहाल यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि सामने रहता है, तो आई थॉट कि करंटली स्किन केयर में है तो बता देती हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पे है मेरे पास ये लॉरियल का, जिसका मैंने फुल रिव्यू किया था, ये वाला वीडियो भी पेड पार्टनरशिप था लॉरियल के साथ, एंड इसे मैंने जस्ट उस टाइम 10 डेज यूज़ किया था, बट अभी उसके बाद से मैं इसे कंटिन्यू यूज़ भी कर रही हूँ।
यू कैसी सी यहाँ तक है, बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है इसको यूज करने के लिए, दिन में दो बार आपको यूज करना है मॉर्निंग। इसका जो जॉब है ना वो बहुत अच्छे से करता है, स्किन को रेडियंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है एंड इसको लगाने के बाद इट इज लिटिल बिट टैकी बट विद इन अ सेकेंड ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट गिव परफेक्ट परफेक्ट ग्लो विद इन अ काइंड ऑफ अ ग्लो प्रोवाइड करेगा एंड स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। सो मेरे लिए तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई नो मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज देखे हैं जिनको पसंद नहीं आया, आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इससे इस वजह से, बट अगर इसे कॉन्टिन्यू यूज़ करते रहो तो आई थिंक आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटा वाला भी आप ट्राई करके देख सकते हो। आई रियली लाइक दिस, का फॉर्मूला बहुत अच्छा है और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल है जिसकी वजह से आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट मैं इसे भी करंटली यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन केयर में एंड आई थिंक आपको ये मंथली फेवरेट्स में देखने को मिलेगा मेरे मार्च के, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे मंथली फेवरेट्स हो गए हैं। ओके नेक्स्ट सनस्क्रीन के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे ये इनोसफ्री की SPF 50 सनस्क्रीन, क्योंकि ऑब्वियसली सनस्क्रीन चाहिए होता है और मैं ये SPF वाला 50 वाला यूज कर रही हूँ। ट्रिपल केयर है, यूवी प्रोटेक्शन एंड तो इनोसफ्री की सनस्क्रीन है ये। इसके अलावा मैं गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल को मैं कहूँ डेली में यूज करती हूँ, करंटली है, मैं फेवरेट नहीं बोलूँगी, वैसे पसंद बहुत है मुझे और फिनिश भी आप देखो कितना है। इसको मैं काफ़ी सारे अपनी स्किन केयर के साथ साथ फेस पैक्स वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। इट वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजर, इट वर्क्स एज अ यू नो हेयर मास्क, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो ये मल्टीपर्पज़ है। स्मेल सो गुड, सो गुड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए ये वाले गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल। प्लस बिल्कुल नेचुरल लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सिंथेटिक कलर्स एंड फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ मिलाए गए हैं। अब बारी आती है मेरे अगेन बहुत सारे फेवरेट जो मैंने रिसेंट में ट्राई किए हैं, ये रिसेंट में ट्राई हैं। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फेस शॉप के हैं, फेस शॉप से मुझे PR रिसीव हुआ था जो कि बिल्कुल भी पेड नहीं था, इंस्टाग्राम के स्टोरीज एंड उसमें आपने देखा होगा। सो उनके बाद मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया, तभी भी किया था, और उसके बाद जब मैंने कॉन्टिन्यू स्टार्ट करना यू नो स्टार्ट किया तो यूज़ करना, I fall in love with these. Seriously telling you guys. ये है राइस वाटर ब्राइट फॉर्मिंग क्लिंजर, अमेजिंग क्लिंजर है या फेस वॉश पॉलू, बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करता है एंड जब मैं इसे लगाने के बाद फेस को वॉश करती हूँ आई फील कि मेरी स्किन काफ़ी ब्राइट लग रही है, मुझे ऐसा फील होता है एंड जिसकी वजह से मैंने इसका मॉइस्चराइजर भी ऑर्डर कर दिया जो मुझे समवेयर अराउंड 800 का पड़ा, मैंने नायका से ऑर्डर किया था। इसके अलावा भी मैंने दो चीज़ें और फेस शॉप की खुद ही ऑर्डर कर दिए क्योंकि मुझे फेस शॉप के प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने खुद से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया और अभी मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, परसों ही रिसीव हुआ है मुझे, तो या जैसे होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसके रिव्यू। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, मेरे पे बहुत अच्छा वर्क किया ये। नेक्स्ट है ये अगेन फेस शॉप का है स्मार्ट पीलिंग हनी ब्लैक शुगर स्क्रब। व्हाट अ स्क्रब इज दिस यार, मतलब इतना माइल्ड एंड यू नो काफ़ी थिक है, इसके अंदर एक्चुअली में हनी है और बहुत ही ज़्यादा छोटे 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 शुगर के पार्टिकल्स हैं, माइल्ड एक्सफोलिएटिंग के लिए परफेक्ट है, जैसे कि आप इस एरिया को और इसको स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन के सेल्स टिश्यूज जो यहाँ पे होते हैं वो भी ज़्यादा यू नो डैमेज नहीं होते क्योंकि इट्स वेरी वेरी माइल्ड। सो मैं इसे ऑल्टरनेट डेज या 2-3 डेज में ही यूज़ करती हूँ, वीक में 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं, बट आई रियली लाइक दिस वन। और इसके अलावा भी मेरे पास एक और है जो मुझे बहुत पसंद है जो मैंने अपनी स्किन केयर में भी दिखाया था बट करंटली मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी सारे प्रोडक्ट भी फेस शॉप के हैं, सबसे पहला है ये राइस वाटर ब्राइट क्लींजिंग ऑयल, ये आई थिंक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इट्स अ ऑयल, बट गाइस इट्स नॉट अ थिक ऑयल, जैसे होता है ना काफी सारे आपके मेकअप रिमूवर बड़े थिक थिक होते हैं, आई लाइक द फॉर्मूला, अब बिल्कुल रनी एंड वाटर, बहुत ही ज्यादा आप शाइन देखो एंड इसकी स्मेल, ओह माय गॉड मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है एंड मुझे कोरियन स्किन केयर की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उनकी जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा माइल्ड होती हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी फ्रेग्रेंसेस, इनमें भी इसी तरीके का कुछ यू नो फ्रेग्रेंस है बहुत माइल्ड एंड वो, तो मुझे पसंद बहुत आया, मैं इसको डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इट्स एक्सपेंसिव वन, लाइक 1000 रुपीज़ का ये है, बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, डेली यूज़ कर लेती हूँ मैं नाइट टाइम में, बट बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है एंड आपका मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन करता है, देन आप फेस वॉश कर लो
आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच, हाई रिकमेंड दिस वन. आपको नायका पे मिल जाएगा. पहले जब रिसीव हुआ था पीआर में तो तब इस पे 30-25% ऑफ चल रहा था, बट अभी मैं नहीं बोल सकती कि कितना परसेंट ऑफ चल रहा है क्या है, तो आप चेक कर लेना, बट बहुत अच्छा है यार सीरियसली. नेक्स्ट आई हैव दिस फेस शॉप का व्हाइट सीड ब्राइटनिंग सीरम. सो ये भी एक्सपेंसिव है, और ये जो पीआर मुझे रिसीव हुआ था फेस शॉप की तरफ से, उसमें सारे उनके बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स थे, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली जो बेस्ट सेलर हैं तो वो बेस्ट प्रोडक्ट्स में ही रहे होंगे. सो ये मॉइस्चराइजर भी मैं नाइट टाइम में यूज़ कर रही हूँ, पर्सनली आई लव दिस वन. नेक्स्ट आई हैव दिस द फेस शॉप का कोलाजन पॉमीग्रेनेट एंड वॉल्यूम लिफ्टिंग टोनर. मैंने मोस्टली टोनर यू नो वाटर फॉर्म में देखे हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ये एक यू नो मॉइस्चराइजर फॉर्म में है और इस तरीके से कुछ है, बट मुझे ये अच्छा लगता है. ये भी मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं इसे फॉलो करती हूँ, जब पूरा मेकअप रिमूव कर देती हूँ देन आई लाइक दिस टोनर, स्मेल सो नाइस. नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सेलेंड्यूला, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, पता नहीं आप मुझे बता देना. सो इट्स अ असेंशियल मॉइस्चराइजर आई क्रीम, सो इट्स अ अंडर आई क्रीम, एंड अब देखो डार्क सर्कल्स कितने कम है. मैं सिर्फ इसको क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, बट हाँ आई लाइक दिस वन. मैं स्पेशली नाइट टाइम में ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, एंड आई फील कि काफ़ी अच्छी अंडर आई क्रीम है. इसके अलावा मेरे पास एक और डॉक्टर टेनिस और समथिंग कुछ करके ब्रांड था, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट अंडर आई क्रीम रह चुकी है. अब वो फिनिश हो गई है, एंड उसका फुल साइज मैंने चेक किया था, इट कॉस्ट मे अराउंड 5-6,000 रुपीज़ इतने बड़े बॉटल का, तो मैंने उसको ड्रॉप ही कर दिया प्लान में. इट्स ओके, मैं बस इनिसफ्री का भी है तो वो भी अच्छा है, बट जब से मैंने इसे ट्राई किया ना आई लाइक दिस वन सो मच. सो ये मेरे नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट था. सो गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में आजकल फॉलो कर रही हूँ, जिसने मेरी स्किन को काफ़ी हद तक ये बोलूँ बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मेरी स्किन में. दिस टाइम आई हैव नो बेस मेकअप, लाइक नो बेस मेकअप, मैं कोई भी मेकअप करके नहीं बैठी हूँ. ब्राउज मस्कारा लिपस्टिक है थोड़ी सी, दैट्स इट. इसके अलावा कोई मैंने मेकअप नहीं किया. इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने आपको दिखाया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, लुक इन माय स्किन, बहुत प्यारी स्किन हो जाती है यार सीरियसली. मुझे स्किन केयर से प्यार हो गया है. मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी स्किन को ज़रूर देखो. घर की भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यार इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पर आप इन्वेस्ट करो. सो आप घर की चीज़ों से भी अपना स्किन केयर कर सकते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू.